एक 9 बरस की लड़की जिसका एक छोटा भाई है, लेकिन उसे शिकायत है कि उसकी माँ छोटे भाई से ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो सुसाइड करने की सोचती है। एक सुबह जब वो अपने भाई के साथ नाश्ता कर रही थी, तो माँ ने बिटिया के प्लेट से टोस्ट उठाया और बेटे की प्लेट पर रख दिया, ये कहते हुए कि बाबा यानी कि बेटे की बस जल्दी आ जाएगी। लेकिन बेटी को ये नागवार गुजरा। उसने खाने की टेबल छोड़ दी और बाथरूम में जाकर रोने लगी। जब माँ ने उसे आवाज लगाई तो हड़बड़ी में आंसू पोंछे और स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंची तो लैब में नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट रखा था। उसने गुस्से में आकर वो खा लिया। हालांकि इस दफा वो बच गई, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट नहीं रुका। एक बार फिर कोशिश की। शरारत करने पर माँ ने डांटा और घर से निकाल दिया। इस पर वो लड़की ट्रेन की पटरी पर जान देने पहुंच गई। संयोग ये था कि उस वक्त स्कूल का चौकीदार वहां पर मौजूद था, जिसने उसे रोक लिया, नहीं तो बॉलीवुड अपनी एक खूबसूरत अदाकारा को बचपन में ही खो देता। आप जानते हैं वो लड़की कौन थी? नहीं जानते तो हम बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हरदिल अजीज, शेरो शायरी की कद्रदान और तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाली शबाना आजमी की। शौकत आजमी की ऑटोबायोग्राफी में जिक्र है कि शबाना ने बचपन में 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। शबाना को लगता था कि मैं उसके छोटे भाई को ज्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि इस बात में कुछ सच्चाई भी थी, क्योंकि बाबा के आने से मेरे पहले बेटे की कमी पूरी हुई थी। बता दें कि शौकत आजमी के पहले बेटे और शबाना के भाई खयाम की डेथ हो गई थी। उसके बाद शौकत आजमी का एक और बेटा हुआ, जिसका नाम बाबा आजमी है। शबाना को बचपन में लगता था कि उनकी माँ बाबा से ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो 2 बार जान देने की कोशिश करती है। शबाना आजमी से जुड़ा एक और किस्सा है, जिसका जिक्र शौकत अपनी ऑटोबायोग्राफी में करती है। वो लिखती है, शबाना बचपन से ही उसूलों वाली रही है। मैं शबाना को जुहू से सांता क्रूज स्टेशन तक बस पकड़ने के लिए 30 पैसे रोज देती थी, लेकिन अगर उसे स्नैक्स खरीदने होते थे तो वो 5 पैसे बचाने के लिए जुहू चौपाटी पर ही उतर जाती थी। वहां से पैदल स्कूल तक जाती, लेकिन उसने कभी हमसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा। शबाना की कॉपर सल्फेट खाने और पैदल जाने वाली बातों का खुलासा उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उनकी माँ से किया था। शौकत आजमी की इसी किताब में जिक्र है कि शबाना हमेशा से फैमिली की मदद करना चाहती थी। सीनियर कैम्ब्रिज में 1st डिवीजन पास होने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले शबाना ने 3 महीने पेट्रोल स्टेशन पर कॉफी बेची। इससे उसे 30 रुपए रोजाना मिलते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ से कभी इसका जिक्र नहीं किया। माँ अपनी रिहर्सल में इतनी बिजी रहती थी कि शबाना की एब्सेंस नोटिस ही नहीं कर पाई। लेकिन एक दिन जब शबाना ने उनको पैसे लाकर दिए तो उन्होंने इसके बारे में पूछा। इस पर शबाना ने कहा कि उनके पास 3 महीने का वक्त था, जिसमें उन्होंने कॉफी बेचकर कुछ पैसे कमा लिए। बॉलीवुड की ये नामचीन अदाकारा आज 74 बरस की हो गई है, लेकिन आज भी अभिनय की दुनिया में सक्रिय है। शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ। पिता कैफी आजमी अपने जमान के मशहूर लेखक और शायर थे। उनकी तमाम किताबें आज भी पढ़ाई जाती हैं। तो वहीं माँ शौकत आजमी भी नामचीन थिएटर आर्टिस्ट थी। शौकत आजमी ने उमराव जान और सलाम बॉम्बे जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया, इसलिए शबाना की परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां लेखन और अभिनय दोनों में करियर बनाना आसान था। लेकिन शबाना ने रंगमंच की दुनिया चुनी। दिल्ली के सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद शबाना आजमी ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। FTII में अभिनय और निर्देशन की बारीकियां सीखी। साल 1973 में शबाना आजमी ने मुंबई का रुख किया। पता जाने माने लेखक और गीतकार थे, इसलिए शबाना को काम मिलने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। बॉम्बे में उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई। ख्वाजा अहमद ने शबाना को अपनी फिल्म फासले में काम करने का ऑफर दिया। हालांकि शबाना के हाथ में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर पहले से थी। 1974 में अंकुर रिलीज हुई और इस तरह ये बतौर अभिनेत्री शबाना आजमी की पहली फिल्म थी। फासले और अंकुर ने शबाना को बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई। जैसे जैसे शबाना का करियर ऊपर चढ़ रहा था, उनके अफेयर के चर्चे भी होने लगे थे। शबाना आजमी का नाम डायरेक्टर शेखर कपूर से जुड़ा। कुछ साल की रिलेशनशिप के बाद शेखर का साथ छूटा तो चॉकलेटी बॉय शशि कपूर पसंद आ गए। साल 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान शबाना आजमी ने माना था कि उन्हें शशि कपूर पर क्रश था। जावेद अख्तर से अपने रिश्ते की शुरुआत के बारे में शबाना इस इंटरव्यू में बताती हैं। वो कहती हैं, जावेद अक्सर अब्बा के पास पोइट्री लेकर आते थे और उनसे सलाह मशवरा लेते थे। जब मैंने उन्हें करीब से जाना तो वो कुछ मजाकिया, अच्छे जानकार और कई मायनों में अब्बा के जैसे ही लगे। यही वजह थी कि मैं उनके प्रति अट्रैक्ट हुई। हालांकि जावेद पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे, इसलिए हमने कई बार इस रिश्ते से अलग होने की सोची, लेकिन जावेद ने अपनी पत्नी हनी ईरानी से तलाक लिया।
इस तरह 9 दिसंबर 1984 को हमारी शादी हो गई। जावेद अख्तर और शबाना आजमी की कोई संतान नहीं है, लेकिन उनकी पहली शादी से दो बच्चे फरहान और दुए अख्तर हैं, जिन्हें शबाना अपने बच्चों की तरह ही मानती है। मां न बन पाने पर शबाना आजमी अपना दुख जाहिर करती है और वो कहती है, इस सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। समाज इसके लिए आपको अधूरा महसूस कराता है। आपको खुद को इससे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शबाना आजमी सामाजिक मुद्दों पर भी बेबाक राय रखती है। साल 2019-20 में जब CAA और NRC के मुद्दे पर देश में एक नई बहस छिड़ी हुई थी, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उस वक्त शबाना आजमी ने CAA का विरोध करते हुए सरकार से अपील की थी। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एक वीडियो भी जारी किया था। जावेद अख्तर के दो शेर, जो मुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर हैं कि मेरी जंजीर धीरे धीरे पिघल रही है। मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में, लेकिन मेरे लहू से तुम्हारी दीवार गल रही है। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी आवाज को दबाने के बजाय सरकार हमारी आवाज को सुनेगी। आज के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं और अफसोस हूं कि जाती तौर पे वहां नहीं हो सकी, क्योंकि मैं इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं हूं, लेकिन मैं अपील करती हूं कि किसी तरह की हिंसा ना हो। 1974 से 2024 तक शबाना आजमी 120 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने फिल्म जगत को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। इनमें अंकुर, अर्थ, स्वामी, कंधार, गॉडमदर, मंडी, फायर, मकड़ी, तेजाब, स्पर्श और मासूम जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। हालांकि इनमें से कुछ फिल्में भले ही रिलीज ना हुई हो, लेकिन शबाना की दमदार एक्टिंग का लोहा हर कोई मानता है। शबाना ने विदेशी सिनेमा और नेगेटिव रोल से भी कभी परहेज नहीं किया। मकड़ी और मटरू की बिजली का मंडोला में शबाना ने नेगेटिव भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया। शबाना आजमी को 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, दर्जनों फिल्म फेयर और तमाम इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। देश विदेश की कई यूनिवर्सिटीज ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शबाना आजमी अपने आप में एक्टिंग का चलता फिरता स्कूल है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।